ईश्वर ही है और है कौन। तो आंतरिक इको की तरफ जाने के लिए हम बाहर का पर्यावरण समझ रहे थे कि बाहर जो है वही हमारे अंदर है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। हे परम चेतना, सभी तालमेल में आ जाएं, सभी ईश्वरीय सत्ता के तालमेल में अपने तोलू मन पर विजय प्राप्त करें। तोलू मन पर विजय पाप पुण्य पर विजय है, लाभ हानि पर विजय है, दुख सुख पर विजय है, सम्मान अपमान पर विजय है। सभी सहज मन के साथ जो सशक्ति मन है, जिसकी शक्ति विश्व के सभी मनों से जुड़कर दिव्य योजना के कार्य कर सकती है, डिवाइनली डिजाइन जो प्रोग्राम है हर मनुष्य में काम करे, जैसे हर जीव में काम कर रहा है। हर जानवर हर पौधा अपने डिवाइन प्रोग्रामिंग के अनुसार खुल रहा है, खिल रहा है। मनुष्य भी इसी के साथ तालमेल में आ जाए, प्रेम आनंद मौन में खुले खिले और सभी को प्रेम आनंद बांटे। सभी अपनी शक्तियों को पहचाने, जब इंसान अपनी शक्तियों को जान जाता है तब दूसरों से छीनने का कार्य नहीं करता, दूसरों से ईर्ष्या करके खुद को दुख नहीं पहुंचाता, ईर्ष्या द्वेष घृणा से बीमारियों को आकर्षित नहीं करता। हे परमात्मा, हर मनुष्य से नफरत द्वेष घृणा डर समाप्त हो जाए ताकि सारी बीमारियां समाप्त हो जाएं।
सभी सहज मन के साथ आहार ग्रहण करें, भोजन खाएं, जिससे सभी स्वस्थ रहें। तोलू मन के अनुसार खाया गया अन्न बीमार करता है। स्वाद में अस्वाद में अटका तोलू मन स्वास्थ्य से दूर जाता है। सभी की दिशा युक्त बुद्धि विवेक चेतना पूरी समझ के साथ काम करे, ताकि तोलू मन पर जीत आसानी से मिल पाए। ऐसा संसार जहां तोलू मन का रोल समाप्त हुआ है, उच्चतम विकसित समाज है। सभी सहज सशक्ति मन के साथ एक दूसरे को मदद करें, क्योंकि ऊर्जा भरपूर है, एनर्जी की कमी नहीं है। सभी को मदद करने के बाद भी आपकी ऊर्जा बरकरार है। आप सभी के लिए प्रार्थना करें। जो भी मनुष्य स्वस्थ हुआ है वह प्रार्थना करे, औरों के लिए प्रार्थना करे, सभी को अपने तप का बल प्रदान करे, सभी को आपके स्वास्थ्य का लाभ मिले, सभी को आपके तप का लाभ मिले। सभी के लिए की गई प्रार्थना आप का स्वास्थ्य बढ़ाती है, सहज मन की शक्ति बढ़ाती है, तोलू मन का रोल समाप्त करती है। इसलिए दिल से प्रार्थना करें, अपने शब्दों में प्रार्थना करें। विश्व के सारे लोगों पर शुभ्र प्रकाश इस तरह फैल जाए कि तोलू मन समाप्त हो जाए, कल्लू मन पिघल जाए, रहे केवल सहज मन, दिशायुक्त बुद्धि, शुद्ध इंद्रियां, निर्मल मन, स्वस्थ शरीर। प्रार्थना चलती रहे। अंत में अपने तप का बल, जो बल अर्जित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से, वह अर्जित बल सबको लाभ दे। इस शुद्ध भाव से तपर्पण करें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए।
कुछ लोगों ने ये खोज की कि कुदरत ने सब चीज़ें देख के रखी है, कुदरत पर सोचना बंद हो गया तो लोग उसी को ही काटने लग गए, तो उसको न काटते हुए हम क्या कर सकते हैं, छोटे कदम क्या उठा सकते हैं, अपनी ग्रहणशीलता बढ़ाएं और अननेसेसरी जो वेस्टेज हो रहा है, पेपर का वेस्टेज हो रहा है, प्लास्टिक की बैग्स क्या असर कर रही है, कपड़े का थैला ले जा सकते हैं क्या हम मार्केट में, या किसी ने हमको कोई वस्तु दी प्लास्टिक बैग में तो हमने वो वस्तु ले ली और प्लास्टिक बैग वापस दे दी, तो कैसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, कहाँ पर हम रिफ्यूज कर सकते हैं। तो नीड और वांट का एक सवाल भी पूछोगे आप अपने आप से, मैं जो खरीद रहा हूँ ये नीड है कि वांट है, ज़रूरत है तो खरीदो, वांट है तो रुक सकते हो कुछ समय, रुको, थोड़ा सा अंतराल डालने के साथ फर्क आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हम जिस चीज़ की डिमांड करते हैं वो सप्लाई होती है, जानवरों को मारकर बनाने वाली चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी तो जानवरों को मारा जाएगा, ये होने ही वाला है। तो संयोग क्या किया जा सकता है, छोटी सी अवेयरनेस, इको थिंकिंग हमें मदद कर सकती है, इको फ्रेंडली डॉक्टर्स की ज़रूरत है, इको फ्रेंडली टीचर्स की ज़रूरत है, इको फ्रेंडली सोसाइटी में रहने वाले लोगों की ज़रूरत है, इको फ्रेंडली, ईगो फ्रेंडली नहीं। ईगो फ्रेंडली जो है वो अहंकार की ही सेवा करते, हमें इको फ्रेंडली बनना है, अंतर इको को सुनने के लिए भी, बाहर के इको को संभालने के लिए भी, इको फ्रेंडली। तो ये जब हम देखेंगे तो महिमा बढ़ेगी, कुदरत की महानता की प्रशंसा करोगे आप, सराहना होगी। तो आंतरिक इको की तरफ जाने के लिए हम बाहर का पर्यावरण समझ रहे थे कि बाहर जो है वही हमारे अंदर है, अंदर की स्पेस कितनी है, अंदर भी गैलेक्सीज है, अंदर भी ब्रह्मांड है, तो वहाँ से कौन सा इको आ रहा है इसको समझें। तो पहला इको आएगा पास्ट से, भूतकाल से। जब भी कुछ फल आता है आपके जीवन में, घटना होती है, तो वो फल क्या है, उस कर्म का एको, जो कर्म आपने पास्ट में किया उसकी प्रतिध्वनि वर्तमान में आई। तो इस तरह समझोगे कि आज हमारे जीवन में क्या हो रहा है, वो है एको, कि क्या किया गया था, अब ये एको आया है। जैसे ही लगे कि एको गलत आया, बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगा, तो तुरंत क्या करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। क्या प्रार्थना करनी चाहिए, कि मैं चाहता हूँ आगे मेरे जीवन में सुख समृद्धि आए, मैं चाहता हूँ सुलझन का आनंद, मेरे जीवन में सुलझन का आनंद आए, मेरे जीवन में ऐसे लोग आए जो प्रेम प्यार से रहने वाले हैं, स्मूथ वे में सब चीज़ें आए, सरलता से सहजता से मेरे जीवन में सब बातें हो, ऐसी प्रार्थना आप करोगे। एक को तो बुरा लगा, मगर वो बुरा लगना बल है, लोग ये बल को समझ नहीं पाते, इसलिए दुख आने के बाद क्या करते हैं, शिकायत करते हैं, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया। ये शिकायत करना क्या है, रिपीट ऑर्डर देना है। क्या हम अपने जीवन में रिपीट ऑर्डर दे रहे हैं उन्हीं चीज़ों का, उन्हीं कर्मों का, वैसे ही कर्म, तो वही एको। तो पास्ट से आने वाला एको आज हम पहचान पाएं, कान बड़े होंगे, यानी बाहर से कैसे भी हो, आंतरिक सेलेक्टिविटी, सेंसिटिविटी, ग्रहणशीलता अगर है तो आप उसको पकड़ पाओगे। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया, आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।